चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो अभी क्या हालात है हम जो मतलब देखो जी, पिछले साल तो ये बाघ आ नहीं रहा था, वो अब के बाद आया भी था। अब के लॉकडाउन में बस अब तो फिर ही पता बस कुछ भी नहीं है। अब का तो बहुत मोटा नुकसान है बाघों में। बाघ निकलते थे, पुलिस पीटती थी रास्ते में, बाघ भी आने की नौबत नहीं पड़ी थी। लुप छिप के आ भी जाते, वो माल जो तोड़ के मंडी में ले जाते थोड़ा बहुत, वो रास्ते में कुछ पुलिस वाले भी दान करें थे, कुछ बिकन था वहाँ, कुछ लेने वाला भी नहीं था कोई। क्यों ना तो बाजार खुले थे ना बिकता, वो गाहक बहुत कम है जी। हाँ जी, वो जो हमारे अड्डे में माल बिकता था, चलो आज तो खे के जो शाम तक 7 बजे तक कर दिया, 9 बजे तक, अन्य उससे पहले 4 बजे बंद हो जाता था, उससे पहले 12 बजे लोग था। तो बताओ 12 बजे लोग आदमी 11 बजे 10 बजे तो मंडी से खरीद के लावागा, फिर ठिया लगावागा, इतने पुलिस वालों की लाठीचार्ज हो जाती, ये फिर उल्टे भाग लेते बेचारे अपना। तो फिर अगले दिन फिर माला माल कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा? तो जब उनका माल नहीं बिकने का, फिर खरीदेंगे क्या? बच्चों की रोजा रोटी मतलब जो है थी 5-4 साल लोग की छीन गई। तो ऐसा है, बच्चों का पेट पालना भारी हो जाएगा और कुछ नहीं, कुल मिला के बात तो यह है। देखो आम के बाग की बात ऐसी है, साल भर में 2 साल में एक फसल आती है इसकी, एक हल्की रहती है एक भारी आती है। अब के आने वाले साल थे, पहले तो धुलाइयों में हमें दवाई नहीं मिल पाई कोरोना में सही टाइम पे, जिससे भी गए दवाई लेन, बस दुकान बंद पाई, जैसी पेट्री दे दी वैसी ठा के चल दी, वो एक्सपायर हुई या कैसी हुई, उस दवाई ने काम नहीं करा जी। उस तो दवाई ने काम नहीं करा, रोग आ गया बागों में, आम कुछ तो काला पड़ गया। इब उसको मंडी में ले जावे, मंडी में मेला तो भीड़ का हुए जी, जब मंडी में भीड़ नहीं होती तो माल ही कहाँ बिकेगा। साठ परसेंट नुकसान है जी बागों में, जी मोटा नुकसान है, कई दफ़े ओले भी पड़ गए। चलो तो भगवान की देन थी अंधी तूफान, तो लेकिन ये कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान है, लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान है। तो जैसे आपने बताया कि आप बाग किराए पे लेते हो, तो उसका पैसा आप कैसे देते हो? उनका पैसा किस्तों में जाता है जी, जी। वो तो बाग के मालिक कुछ भले हैं हमारे साथ इनका सलूक कर रही, लेकिन वे भी कहाँ लोग करेंगे जी, देना तो पड़ेगा नहीं, बिके नहीं देना पड़ना, अगले साल देना पड़ेगा जी इनको। आप जो फ्राइडे में आम तोड़ लेते होगे, लेकिन 2 दिन मंडी बंद रहती है। हाँ जी, तो जो 2 दिन तक वो आम उसको तो खराब ही हो जाता है, वो सड़ता है जी, जो पक्के गिरता है 2 दिन लो नहीं जाता मंडी में, 2 दिन के बाद वो खराब हो जाता है। जैसा मैंने आपको दिखाया टिल्ले लग रहे हैं, वो टिल्ले सी के लग रही है। लगभग सभी जो आम से जुड़े हुए जो किसान है सभी को नुकसान है? सबको नुकसान है जी, बहुत नुकसान है, आम वाले को नुकसान, जामुन वाले को नुकसान, लेबर भी जा रही, लेबर कुछ मरी भाग भी गई बगैर पैसों के, जब पैसे नहीं जाते टाइम पर लेबर भी भाग जा जी। हम जनवरी से आ रहे हैं यहाँ, तो मजदूरी भी जो है हमारी नौकरी जो है वो भी 5-7 हज़ार रुपये महीना की, मान लो 8 हज़ार रुपये महीना की, वो भी मिल नहीं मिल पा रही मजबूरी में।
क्या कारण है जो नहीं है? अजी जब माल नहीं बिखरा है, थोड़ा बहुत जो है ये रुपए में चार अन्य लग रहा है, कुछ तो आंधियों में कट गया, कुछ जो थोड़ा बहुत लग रहा है तो ये उसमें चला गया मंदे में। जहाँ 300 रुपए का डॉलर बिकता था तो 100 रुपए का डॉलर बिखरा है, तो वो भी बेचारा कहाँ से देगा? हम भी सफ़र कर रहे हैं घर के जी, बड़ी मुश्किल से जो है काम चल रहा है। 150 रुपए में, 500 रुपए में ठेकेदार से भी कुछ सामान करके ले, खर्चे कहाँ से करें? अब ठेकेदार भी मजबूर और हम भी मजबूर। सभी की क्या स्थिति है, सभी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सभी के पे फर्क पड़ रहा है, 3-4 महीने हो गए नौकरी नहीं मिल रही, खानों को नहीं मिल रहा। 500-400 रुपए लें, वही खर्चा पानी में उठा लें, बीड़ी भी, माचिस भी, दूध भी, बच्चों का